है, जब कृष्ण द्वारकाधीश बनते हैं तब राधा रानी रुक्मिणी जी बनती है, जैसे गौरी शिव शंकर लक्ष्मी नारायण वैसे राधा कृष्ण ये ऐसे विस्तार करते हैं, तो इसलिए उनकी शादी हुई थी। तो और राधा रानी उनकी शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, जैसे कला है, जैसे सारी गोपियां जो है वो कृष्ण के कला है ना। तो जब कृष्ण ऐसे एक जैसा हुआ था, राधा रानी फूल तोड़ रही थी पेड़ से, तो कृष्ण आए पीछे से और वो मतलब राधा रानी का वो थोड़ा नीचे झुका दिए, टहनी वो नीचे झुका है, तो राधा रानी ने जब पकड़ा तो उनने पैर हटा दिया, तो वो राधा रानी ऊपर ऐसे हो गई, तो कृष्ण आके उनको नीचे उतारे, तो कृष्ण ने उन्हें ऐसे किस किया था, मतलब चूमा था। तो प्रभुपाद जी इसमें बोलते हैं कृष्ण बहुत ही बदमाश है, लेकिन उनका बदमाशी अभी बहुत पूजनीय है, क्योंकि वो उस लेवल का है, अपने जैसे सांसारिक लेवल का वो नहीं है। क्यों? क्योंकि राधा रानी उनकी कला है, सारे जो भी गोपियां हैं उनकी कला है, तो इसलिए वो अलग है ही नहीं उनसे। इसलिए और जो राधा रानी के दिन की शादी हुई थी अभिमन्यु के साथ, वो अभिमन्यु भी कौन है, कृष्ण के ही विस्तार है। उन्हें जैसे हम चोरी छूट के जो भक्ति करते हैं तब आनंद आता है ना, तो कृष्ण लीला करने के लिए वैसे कार्य करते हैं, अपने आप को विस्तार किए